जिले भर में खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मोतिहारी में रविंद्र शंकरन एडीजी खेल प्राधिकरण बिहार एवं शीर्षत कपिल अशोक जिलाधिकारी मोतिहारी की संयुक्त अध्यक्षता में जिला स्तरीय खेल संघ के सचिव एवं अध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि शहर के सभी विख्यात खेल मैदानों को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा, साथ ही खेल संबंधी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मोतिहारी जिले में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, मोतिहारी जिले को स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर विभिन्न स्पर्धाओं में उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन करते हुए राज्य स्तर पर चयनित उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने हेतु हर संभव प्रयास किया जाएगा। एक दौर था जब फुटबॉल और हॉकी जैसे खेल बिहार के लगभग सभी जिलों में खेले जाते थे, अब एक बार फिर से फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल समेत दूसरे खेलों को पुनर्जीवित करने की कवायद बिहार सरकार ने शुरू की है। इस प्रकरण में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के एडीजी रविंद्र शंकरन द्वारा एनसीसी, एनएसएस के अलावा अन्य खेल संगठनों के लोगों के साथ मिलकर खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए अभियान की शुरुआत बाबू की धरती पूर्वी चंपारण मोतिहारी से की गई है। इस अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी, समादेष्टा मोतिहारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी प्रभाकर जायसवाल त्रिलोकी जी, जिले के खेल संघ के संबंधित सचिव एवं अध्यक्षगण आदि उपस्थित थे। मोतिहारी से प्रभाकर निराला की रिपोर्ट। रूप में बताऊंगा, मैं आज सुबह जाके देखे थे जो रोइंग क्लब 1998 में उद्घाटन किया हुआ रोइंग क्लब को पुनर्जीवित करके उनको चालू करने के लिए इन्होंने इतना प्रयास किया, तो ऐसा डीएम साहब लोग मिलना मुश्किल है खेल के लिए। तो जहाँ जहाँ इस तरह का डीएम साहब लोग रुचि ले रहे हैं, वो सब जगह पर भी सेंटर ऑफ एक्सलेंस को हम लोग खोलेंगे। यही सब मैं देखिए, खेल प्राधिकरण का जिम्मेवारी मुझे 4 हफ्ते पहले दिया गया है और देते समय मुझे कुछ निर्देश सरकार की ओर से मिली है। वो निर्देश ये है, खेल को एक आंदोलन के रूप देना है बिहार में। दूसरा, बिहार का खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करके उनके अंदर छिपा हुआ हुनर को ऊपर लाना है और उन लोगों को उचित शिक्षा, मतलब खेल शिक्षा, कोचिंग, ट्रेनिंग देख के नेशनल में मेडल जिताना है और आगे चल के इंटरनेशनल लेवल पर भी हमें मेडल्स हासिल करना है। और तीसरा, ये भी मुझे दिया गया निर्देश कि आप इंडिविजुअल गेम्स 6-7 सेलेक्ट करना और टीम गेम्स 6-7 गेम्स ऐसे सेलेक्ट करना ताकि उस गेम्स को हम लोग पूर्ण रूप से 100% उनको हम बढ़ावा देंगे। और साथ साथ निर्देश ये भी है कि पूरा बिहार में भ्रमण करके मुझे सेलेक्ट करके सरकार के पास प्रस्ताव रखना है कि कौन सी जिला में या कौन सी प्रमंडल में हम खेल के लिए एक्सलेंस सेंटर बना सकेंगे। तो इसी, ये तीन जो मैं बताया मैंडेट, इसी मैंडेट के तहत मैं हर जिला का भ्रमण पिछले 4 हफ्ते से कर रहा हूँ। तो यहाँ आने के बाद, इनफैक्ट मैं 2 हफ्ते पहले बेतिया भी गया था, तो बेतिया, बगा, मोतिहारी, ये सब इलाके में घूमने के बाद मुझे एक चीज़ को क्लियर कट मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ हुनर भरा हुआ है, एकदम भरा हुआ है, चाहे फुटबॉल हो या साइकिलिंग हो, एथलेटिक्स हो, टेक्वांडो हो, जो भी गेम है, फॉर दैट मैटर फेंसिंग में भी है। तो हुनर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है इस बेल्ट में, इस पूरे इलाका में। तो मुझे उम्मीद है और मैं तो अपने आप को कन्विंस कर लिया हूँ कि उत्तर बिहार में एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस खेल के लिए बनेगा तो वो मोतिहारी में बनेगा। तो ये हम आप लोगों को ये बताना चाहूँगा बिकॉज यहाँ टैलेंट बहुत है और साथ साथ टैलेंट के साथ साथ यहाँ का जो पदाधिकारी डीएम साहब खेल के लिए एकदम सब कुछ करने के लिए तैयार है और खुद खिलाड़ी हैं और खेल के लिए इतना पैशनेट है, इतना उनकी रुचि है खेल में। वो तो मैं उदाहरण के रूप में बताऊँगा, मैं आज सुबह जाके देखे थे जो रोइंग क्लब